हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड मेकअप। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी आपने नहीं किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है इस टाइम पे गर्मी कुछ ज्यादा ही है एंड मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में इस टाइम पे टेम्परेचर इज लाइक वेरी वेरी हाई। एंड सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा स्किन काफी ज्यादा ऑयली है एंड गर्मियों में बहुत ज्यादा पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है मुझे। एंड वैसे तो मैं एक अच्छा फेस वॉश और टोनर यूज कर ही रही थी और उसकी वजह से एक्ने पिंपल कंट्रोल तो मेरे हो ही रहे थे, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो मेरे स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर रहा था। इसी रीजन से मैं एक ऐसा अच्छे प्रोडक्ट्स कुछ ढूंढ रही थी, क्योंकि वो वाले पहले वाले खत्म हो गए, तो इस बार मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ रही थी जिनसे मेरा स्किन में जो ऑयलीनेस है वो भी कंट्रोल हो, एक्ने पिंपल्स भी कंट्रोल हो जाए और साथ ही साथ मेरी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करे और एक जो प्यारा सा ग्लो होता है चेहरे पे वो हमेशा बरकरार रहे। आई केम अक्रॉस दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रांड सैटर्न बाय GHC। GHC का मतलब गुड हेल्थ कंपनी। एंड एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड शी वॉज यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स और मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली इनको चेकआउट करना चाहिए। सो आई वेंट टू देयर वेबसाइट एंड वहाँ पे मैंने देखा कि ये जो प्रोडक्ट्स के जो इंग्रेडिएंट्स है काफी ज्यादा मुझे प्रॉमिसिंग और अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली मेरे ऑयली स्किन के लिए। सो मुझे लगा इनको डेफिनेटली मुझे एक ट्राई देना चाहिए और इनको मैं यूज कर रही हूँ 20 डेज से। एंड आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैं ये जो प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, इनका मैंने लिया ये फॉर्मिंग फेस वॉश एंड दिस इज द फेस टोनर। सो इनको यूज करके मेरे स्किन पे किस तरह से इफेक्ट आया, इनका कोई अच्छा रिजल्ट मिला या नहीं मिला, एंड ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी। फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई बॉट फ्रॉम दिस ब्रांड इज द फॉर्मिंग फेस वॉश। और इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आया है और इसके अंदर इस तरह की पंप बॉटल वाला ये फेस वॉश मुझे मिला है। एंड इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो है 120 ml एंड इसका जो प्राइस है वो है ₹499। इनको मैंने इनकी वेबसाइट से लिया था तो आराम से मुझे ₹399 का पड़ गया था। एंड इनकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो सबसे पहले अब इनकी जो की इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले जो की इंग्रेडिएंट है वो है टी ट्री ऑयल एंड बिलीव मी इट्स रियली अ मैजिकल ऑयल इफ यू हैव अ वेरी ऑयली स्किन। तो ये ऑयलीनेस को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है एंड उसकी वजह से जो पिंपल्स एंड एक्ने हो जाते हैं उसको भी बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। साथ ही साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो काफी तरह की जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। साथ ही साथ इसमें है ऑरेंज पील और एक्सट्रैक्ट। ऑरेंज पील यानी कि संतरों के जो छिलके होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट है। साथ ही साथ इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट यानी कि नींबू का भी एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। ये दोनों में ऑयलीनेस को कंट्रोल करने की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। साथ ही साथ पिंपल्स एक्ने को भी कंट्रोल करते हैं। ऑल्सो दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन C विच अगेन स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे कि एंटी एजिंग, जो फाइन लाइंस आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसके अंदर है रोज ऑयल एंड यानी गुलाब के पत्तों से एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑयल, जो कि स्किन पे बहुत ही अच्छा काम करता है। स्किन में एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो तो लाता ही है, पर साथ ही साथ पिंपल्स एंड एक्ने को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसके अंदर है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड जैसे कि आपको पता है कि एलोवेरा बहुत ही अच्छा रहता है स्किन के लिए। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो रेडनेस हो जाती है स्किन में पिंपल्स की वजह से, उसको भी बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। साथ ही साथ स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, बहुत अच्छा एक सूदिंग इफेक्ट लाता है स्किन में। इस तरह की पंप बॉटल में और इसके ऊपर ये ब्रश दे रखा है जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। एंड इस फेस वॉश को मैं यूज करती हूँ ट्वाइस अ डे एंड इस तरह से पंप करने पे बहुत ही अच्छे से फोम निकलती है। एंड इसको मैं ऑल ओवर अपने फेस पे इस तरह से लगा के इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसको रब करती हूँ एंड इस तरह से 30 to 40 सेकेंड में रब करने के बाद अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेती हूँ। यूज करने के इंस्टेंटली बाद मुझे अपना स्किन बहुत ही ज्यादा साफ लगता है और मेरी स्किन पे बेसिकली जो ऑयलीनेस थी मैंने देखा कि वो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो गई इसको यूज करने के बाद। साथ ही साथ जो पिंपल्स एंड एक्ने जो बहुत ही फ्रीक्वेंट हो जाते थे वो भी बहुत पहले से काफी कम हो गए हैं। उसके अलावा ये ब्रश की वजह से जो बार बार मेरे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हो जाते थे, स्पेशली नाक के आसपास, वो भी मुझे काफी हद तक पहले से कम होते हुए दिख रहे हैं। सो मुझे तो ये ओवरऑल काफी ज्यादा पसंद आ रहा है फेस वॉश और किसी भी तरह का मुझे साइड इफेक्ट भी नहीं फील हुआ। नेक्स्ट मैंने इनका प्रोडक्ट लिया है वो है फेस टोनर। और हमेशा फेस वॉश करने के बाद एक टोनर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। 150 ml ऑफ प्रोडक्ट मिला और इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आया है एंड इसका जो प्राइस है वो अगेन ₹499 है एंड अगेन डिस्को सेल में लेने के बाद ये ₹399 का पड़ा मुझे। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज PHA जो कि एक्सफोलिएटिंग एजेंट होता है। जितने भी आपकी स्किन पे डेड स्किन सेल की एक लेयर हो जाती है उसको ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है, ताकि नीचे से एक बहुत ही साफ और एक स्मूथ स्किन आपका बाहर आए। नेक्स्ट इसके अंदर है नाइसिनामाइड जो कि विटामिन B3 होता है। विटामिन B3 बहुत अच्छा रहता है ऑयली स्किन वालों के लिए भी और एक नॉर्मल स्किन टाइप वालों के लिए भी, क्योंकि स्किन में जितने भी डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्लिमिशेस हो जाते हैं, उसको ये बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। साथ ही इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड एंड बेसिकली आपकी स्किन में जो वाटर लेवल होता है उसको ये बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है ताकि स्किन बिल्कुल भी ड्राई आउट ना हो जाए किसी भी रीजन से एंड स्किन हमेशा अच्छे से मॉइस्चराइज रहे। तो ये प्रोडक्ट आया इस तरह की बॉटल में एंड इसको यूज करने से पहले मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ फॉर्मिंग फेस वॉश से, उसके बाद एक टावल से अच्छे से अपने फेस को ड्राई कर लेती हूँ और जब मुझे ये प्रोडक्ट यूज करना होता है तब मैं इसको थोड़ा सा शेक कर लेती हूँ। उसके बाद कॉटन की हेल्प से मैं कॉटन में थोड़े से इसकी बूंदे डालती हूँ और अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लेती हूँ। जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज्यादा लाइट है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही ज्यादा कुछ हार्श केमिकल वाला कुछ लगा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। सो इट इज कम्प्लीटली सेफ फॉर द स्किन एंड उसके बाद जब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ स्किन पे तो मुझे इंस्टेंटली मेरा जो फेस है वो बहुत ज्यादा टाइट फील होता है। मैंने देखा कि जब से मैं इसको लगा रही हूँ जितने भी मेरे पोर्स थे अपने नाक मेरे जो नोज के आसपास वो बहुत ही अच्छे से मुझे छोटे होते हुए दिख रहे हैं। तो पोर टाइटनिंग का ये बहुत अच्छा काम करता है, साथ ही साथ ऑयलीनेस को मेरे काफी अच्छे से इसने कंट्रोल किया है। सो दिस ब्रांड सैटर्न बाय GHC इनका एक पर्सनल ऐप है जिसको मैंने डाउनलोड कर लिया था प्ले स्टोर से और इस ऐप पे एक बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आपको स्किन से, हेयर से या वेट से जुड़े अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप इनकी फ्री कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हैं एंड इस सर्विस के लिए अलग से कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है एंड इनके जो हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उसके हिसाब से आपको कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं एंड मैंने भी इनकी ये सर्विस ली थी एंड इनकी सर्विस यूज करके इन्होंने बताया कि मुझे ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। डेफिनेटली मुझे ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आए। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया हो। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। चिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।